यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज यार हम लोग फिर से खेलने वाले हैं हिटमैन स्नाइपर। तो आप लोगों ने जैसे पिछले गेम प्ले में देखा होगा कि हम लोगों ने जो दी यार उसमें कम से कम 15-20 जोम्बीज को मारा। उसके बाद जो उन लोगों ने क्या कहते फोर्थ वेव में जो अटैक किया भाई, एकदम मतलब सीधा वे इन लोगों ने 20-30 बंदे लाकर अटैक करवा दिया यार जोम्बीज से, जिस वजह से यार हमारा जो डैन था वो यार बैन मारा गया जॉम्बीज की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग गेम प्ले में आ चुके हैं और यहाँ पर एक जॉम्बी अपने होल से निकल रहा था, उसको मैंने उसी के होल में मार दिया। अब यहाँ पर एक और ये जॉम्बी जॉगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, और मैंने इसको सीधा मार दिया। अब यार यहाँ पर हम लोग क्या कहते जल्दी से जितने भी जॉम्बीज हैं उनको किल कर देते हैं। और वेव हमारा इस समय 2 चल रहा है, वेव 1 में मुश्किल से 2-3 जॉम्बीज आते हैं और वेव 2 में 5-6-7 जॉम्बीज आते हैं। जब वेव 4 आता है भाई, आप लोगों को बता दूं वेव 4 में भाई इनके बॉस जॉम्बीज आते हैं। अब मतलब इनके बॉस जॉम्बीज जिनको एक गोली नहीं मारनी पड़ती भाई, उनको मारने के लिए 7-8 गोली यूज़ करनी पड़ती, तब वो जाके मरते हैं। अब भाई आप लोगों को बता दूं कि ये सारे जॉम्बीज जितने भी हैं भाई इनको मैं इतनी देर से मार दूं और ये वेव 3 चल रहा है। अब भाई आप लोगों को देख लो भाई, इतनी देर से इनको मैं मारे जा रहा हूँ, मेरे पास मात्र आखिरी की 2 बुलेट बची हैं, और अगर एक बुलेट अगर मेरे कनेक्ट ना हुई तो भाई अब मेरे को जल्दी रिलोड करना पड़ेगा, वरना ये जॉम्बी जाके जो बैन है उसको मार देगा। वो बैन अपनी कार रिपेयर कर रहा है और वो यहाँ पर फंस चुका है भाई। यहाँ पर आधी रात का समय हो रहा है और अगर बैन यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जो वेव 4 आने वाला है अगर बहुत टाइम लग जाएगा। तो जल्दी से मैं सारे ज़ॉम्बीज़ को किल करते हैं, इसका भी मुंह तोड़ के साइड कर दिया भाई। अब थोड़ा फिर से रीसेट करते हैं, देखते हैं कितने ज़ॉम्बीज़ हैं, क्योंकि रीसेट करने में अच्छे से पता चल जाता है कितने ज़ॉम्बीज़ हैं। तो यार यहाँ पर एक बुलेट मिस हो गई, अब पर दूसरी नहीं होने दूंगा यार मिस, दूसरी तो मैं कनेक्ट करके रहूँगा, जो सबसे पहले पास में आएगा इसके मैं उसी को मारूंगा। तो यहाँ पर ये भी गया और इसको भी मैंने एक डाउन कर दिया, बस लास्ट बुलेट, अगर मैंने लास्ट बुलेट में इसको नहीं मार पाया तो जल्दी से रिलोड करते हैं, वरना यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वो बंदा क्या कहते जल्दी रिलोड हो ही नहीं, और बैन इज अंडर अटैक भाई, जल्दी से मेरे को इसको मारना पड़ेगा वरना ये बैन को ख़त्म कर देगा यार। क्या यहाँ पर लास्ट स्टेज बची है बैन की, और भाई अगर मैं ये बुलेट ना मारता ना तो भाई बैन का ख़त्म होना पक्का था। भाई आप लोग देख सकते हो इतने सारे हैंड है ना, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं बैन को बचा पाऊँगा, क्योंकि उसकी हेल्थ भी बहुत कम है। और जल्दी से अगर मैंने सारे जॉम्बीज को किल ना किया तो भाई देख सकते हो मेरे पास 4 बुलेट है, और 4 बुलेट में 3 ये और चौथा वो साइड में चला रहा, 5-7 बंदे टोटल मेरे ख्याल से बचे हुए, 3 इधर से और चले आ रहे हैं, और यहाँ पर लास्ट बंदा बचा है जिसको लास्ट मोमेंट पे भाई आप लोग जैसे देख सकते हो कि मेरे को मानना अगर बस, और ये करेक्ट टाइम पर मैंने बुलेट दे दी भाई। देख लो आप लोग खुद देख लो, मतलब ये अपना हैमर खींचते हुए ला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसका हैमर इतना हैवी है कि मतलब उठा ही नहीं उठ भाई। देख लो ये खाली लास्ट बॉस है इन ज़ॉम्बीज का, अगर मैंने इसको लास्ट बुलेट अगर कनेक्ट ना करी तो भाई ये सीधा गाड़ी ब्लास्ट कर देगा और बैन को भी मार देगा। तो यहाँ पर बैन ने भी अपनी गाड़ी रिपेयर कर ली है और वो यहाँ से जल्दी ही निकलने वाला है। अब भाई रिपेयर हो चुकी है, अब वो बस निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ पर हम लोगों ने ये पहली डेथ वैली कम्प्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे को बॉस को मारते हुए लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से जाओ, बॉस को मारा मैंने लाइक कर देना यार। तो यार यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो गन थी वो अपग्रेड नहीं करवाई है, पर वो अभी थोड़ी देर में अपग्रेड करवा लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे हम लोग खेल रहे हैं दूसरी डेथ वैली, अब भाई दूसरी डेथ वैली में कुछ ऐसा गलत सीन हो जाता है ना कि भाई पूछो ही मत। तो यार आप लोग को मैं बता दूं कि वो गलत सीन क्या होता है भाई, आप लोग अब थोड़ा देखते जाओ और आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या गलत सीन हो रहे हैं भाई। जैसे ही ये लोग होल से निकल रहे मैं सीधा इनकी खोपड़ी बजा दे रहा हूँ भाई, देख मतलब सीधा हेडशॉट, हाथ पे हो चाहे पैर पे, सीधा मैं सीधा इनकी बॉडी शॉट मार दूँ भाई। अगर हेडशॉट लग जाएगा ना तो बहुत इजी जल्दी मर जाते हैं ये लोग। तो यार यहाँ पर इसके भी कनेक्ट कर दूँ और ये जा अंदर जाके वापस सो जा भाई, मतलब
निकल रहा है कि सो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब भाई यहाँ पर देख सकते हो बेन से ये मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा और इसको आने में डिस्टेंस लग जाता है मेरे ख्याल से 5 to 10 सेकेंड आराम से लग जाता है इन लोगों को आने में। अब यहाँ पर कम जॉम्बीज बचे हैं तो जल्दी से मैं अपनी गन रिलोड कर ली है, और यार यहाँ पर गन मैंने रिलोड करना भूल गया, और यहाँ पर जल्दी से गन रिलोड कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने एक भी गलत स्टेप रिलोड करते समय लिया तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और यहाँ पर इसके सीधा हैंड में शॉट पड़ा है। अब भाई मेरे ख्याल से यहाँ पर टोटल 4 से 5 बंदे होंगे, जॉम्बीज होंगे। भाई जल्दी जल्दी इन सबको फिनिश कर देते हैं, मेरे को कन्फर्मली समझ में नहीं आ रहा, जिस वजह से मैं यार क्या कहते बार बार इसको फटा देता हूँ, और यार कई बार तो गलती से भी इसको फट जाता है। अब ये जॉम्बी इतनी तेज फायर कर रहा है ना भाई इस पर, और मेरा अब भाई देख लो ये बार इस गलती से अपने आप स्कोप यहाँ से हट गया। यार मैं भूल गया हूँ वो जगह कहाँ पर, और यहाँ पर यार जो बैन है उसकी हेल्थ बहुत कम बची है। लोग यार इन लोगों की यही तो प्रॉब्लम मेरे को बहुत ख़राब लगती है कि ये लोग मारते जाते हैं, यार थोड़ा रुक के मार दें तो मैं इनको बैन को बचा भी लूँ। भाई यार नहीं, इनको तो यार एक साथ अटैक करना। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने दोबारा सा क्लासिक स्नैपिंग में। तो यार यहाँ पर पहले तो हम लोगों को एक बंदे को मूविंग हेड मारना। अब भाई मैं अब थोड़ा बंदों को मारूंगा भी, मेरे को लगा खाली हेडशॉट मारना है। तो यार मैं पूरा नहीं पढ़ा, मेरे को हेडशॉट लगकर मैंने पढ़ा और बस मैं सोचा कि हेडशॉट मारना, और मैं जितने बंदे थे ना मैं सबको धीमे धीमे करके गोली मारता चला जा रहा हूँ। आप लोग जैसे देख लो कि जितने मेरे को दिख रहे हैं ना मैं सबको फिनिश कर जा रहा हूँ। अब भाई यहाँ पर एक बंदा मेरे को भागता हुआ दौड़ता हुआ नज़र आया, पर मैंने सोचा कि यार इसको मानना है कि नहीं मानना वो तो मेरे को कन्फर्मली नहीं पता है। अब भाई अब मेरे को इतना तो नहीं पता था ना कि मूविंग हेडशॉट एक ही कनेक्ट करना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पढ़ा तो मैंने इसको एक मारने की कोशिश करी, पर यार 1 सेकंड से ये आगे हो जाता है, 1 सेकंड से अगर ये आगे ना होता ना तो भाई सीधा इसके हेडशॉट पड़ने वाला था। अब तो इधर उधर क्या देख रहा है, इसका भी थोड़ा मुँह तोड़ के साइड कर दिया। तो यार जल्दी से क्या कहते ये जो दो बंदे खड़े हैं इनमें से एक कोई मूव कर जाए मैं सीधा उसके कनेक्ट कर दूँ। तो यार यहाँ पर बिल्कुल 1 सेकंड का हेडशॉट बचा है, यार अगर 1 सेकंड और थोड़ा पीछे हो जाता ना तो भाई सीधा इसके हेडशॉट पड़ना था। और यहाँ पर हम लोग अपनी M24 वापस से रिलोड कर लेते हैं। और भाई चल तू मूव कर, तेरे इस बार तो मैं मार ही के रहूँगा कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। और भाई यहाँ पर सीधा हेड मारा है। अब भाई जो इनका मेन लीडर था वो यहाँ पर ऊपर बैठ के एक लड़की से बात कर रहा है, वो बात क्या कर रहा है वो मेरे को कन्फर्मली सुनाई नहीं दे रहा। मेरा वॉकी टॉकी वहाँ पर जो रखा हुआ है वो ख़राब हो गया, पर मैं इसको भी फिनिश करूँगा। और भाई इसके सीधा हेड शॉट मारा कि इसके कोई बचने के चांसेस ही ना रहे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ जो ये आज हम लोग गेम प्ले डालने वाले इसमें भाई हम लोगों ने मेन टॉपिक तो बताया नहीं, मेन टॉपिक पता आप लोगों को बता दूँ कि जो यहाँ पर गैंगस्टर की मीटिंग थी उसमें जो इंडियन गैंगस्टर जो आने वाला था वो अब आ चुका है यार। तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसकी फ़ोटो देख सकते हो, हम लोग को विक्टिम किंग इसका नाम है, विक्टिम किंग इसको ख़त्म करना। अब भाई इसका नाम यहाँ पे विक्टिम किंग है और इंडियन में इनका इसका कुछ और नाम है वो मेरे को नहीं पता कन्फर्मली। अब आप लोग जैसे ये गन देख सकते हो ये हमारी नई ओम गन है, तो यार इसको हम लोग को मानना जरूरी है क्योंकि यार ये अगर यहाँ से हट गया ना तो भाई ये सीधा इंडिया में जाके ब्लास्ट कर देगा, जिस वजह से हम लोगों को इसको मानना पड़ेगा। और भाई ये यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है इंडिया का, तो जल्दी से इसको फिनिश कर देते हैं और हमारा मिशन ही वाला कंप्लीट हो चुका है। पर यार इसके अभी कुछ साथी बचे हुए हैं जिसको हम लोगों को फिनिश करना है। तो पहले तो इसके कुछ साथियों को मारेंगे इस मिशन में, और उसके बाद क्या देखेंगे क्या कहते हम लोगों को और कौन कौन से मिशन करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते देखते हैं चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या कहते इसको इसके जितने भी साथी थे उनको मारने चलना है, तो जल्दी चलते हैं इसके साथियों को मारते हैं और इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिशन। भाई ये जो गन है ना इतनी, इसमें जो
सस्पेंसर लगाना है स्नाइपर का, भाई एकदम बता दूं बिल्कुल साइलेंटली किल होता है बंदा। अब यहाँ पर जो हमारे गोल था मारने का बंदा, वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, और भाई सीधा मैंने ऐसी बुलेट मारी ना कि उसकी बॉडी में आग लग गई भाई। मतलब अब अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत नहीं, सीधा बॉडी फिनिश। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना यार वीडियो को अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को, और चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो।